फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तलत मेनू किचन। और आज तलत जो है वो अपने किचन में नहीं है बल्कि दावत में है। तो वहाँ पर बन रहा है देसी चिकन, और ना कोरमा है ना स्टू है बल्कि सालन बन रहा है। तो ये देखिए, 1 किलोग्राम प्याज जो है वो ऑयल में डाल दिया गया है, और बहुत बड़ा सा भगोना पतीला जो है वो चढ़ा है, और रोटियाँ चूल्हे पर बन रही हैं, और प्याज जो है वो तल रहा है। ये कुछ खड़े मसाले हैं, जीरा, जायफल, जावित्री, छोटी बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, और प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन, गोल्डन ब्राउन हो गया है तब इसको निकाल लिया जाएगा। और ये बना रही है मेरी छोटी बहन। अब इसमें खड़े मसाले डाल दिए गए हैं, और ये जब चटर पटर हो जाएंगे तब इसमें ये चिकन डल गया है। तो ये देसी चिकन है, और कम से कम है ये 4.5 किलो गोश्त। तो ये अब इसमें डाल दिया गया है और इसको अच्छे से भून लिया जाएगा। तो मैं आई हूँ यहाँ दावत में, और ये देखिए इसमें धनिया डल रहा है। तो 250 ग्राम तक इसमें धनिया डलेगा क्योंकि गोश्त काफ़ी है। और इसमें डाल देंगे पानी ताकि मसाला जो है ये धनिया अच्छे से पहले फूल जाए, और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दूँगी मैं इसमें मिर्चें। और इसमें अब डाल दिया है लहसुन का पेस्ट, और अब डाला है इसमें अदरक का पेस्ट, और अब इसको अच्छे से भून लिया जाएगा। और अब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल रही हैं, और इसमें डाल दिया है अच्छे से पानी ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से भून जाए। नमक और मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें डालिए। और अब इसमें डाल रही हैं दही। तो ये देखिए, इसमें 1 कप दही डल गया है, और अब डाल दिया है ये मसाला जिसमें पानी मिलाया था और इसको भूनने के लिए रखा हुआ है। और ये मैंने प्याज जो फ्राई किया था वो है, और अब इसमें पानी डाल दिया जाएगा क्योंकि ये अच्छे से भून गया है। और ये देसी चिकन है तो जल्दी गलता नहीं है, इसलिए पानी जो है इसमें ज़रा सही से डाला जाएगा ताकि ये अच्छे से पक जाए और गल भी जाए। तो ये पेस्ट जो बनाया था फ्राई हुए प्याज का, वो इसमें डाल दिया है, और थोड़े से काजू वगैरह जो थे, नारियल था और काजू था, उसका भी पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, वो भी इसमें डाल दिया जाएगा, और बस इसको हल्की आंच पर दम के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर दावत में आए हैं, तो घर में, दूसरे घर में बन रहा है ये खाना, और ढेर सारे लोग हैं, तो बड़े से भगोने में ये चिकन बनकर तैयार हो रहा है, और यहीं पर चूल्हे पे रोटियां बन रही हैं, और सब लोग तैयार हो गया है। ये देखिए, सैलेड भी तैयार हो गई है, रोटी भी, और ये सालन भी तैयार हो गया है। तो काफ़ी इन्जॉय किया गया और सबने मिलकर खाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।